हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्यामे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाचा कल्पत रूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय गोब्रह्मणाय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतुते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम्नां कलिकल्मषधारणम् नत्परत्रोपाया सर्ववेदेषु दृश्यति नाम चिन्तामणि कृष्णा श्रीचैतन्या रस विग्रह नित्यशुद्धो नित्यमुक्तो अभिनत्तो नाम नामिनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण मम दीदी भैया श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे जिनका नाम था वासुदेव घोष। कहते हैं वासुदेव घोष जब भगवान के भजन गाते थे तो उनके पत्थर भी पिघल जाते थे। जैसे तानसेन की बात करते हैं लोग, इसी तरह से वासुदेव घोष ये तीन भाई थे। तो उनकी एक भजन की हम दो तीन लाइनें आप लोगों को सुनाते हैं, कितनी सुंदर उन्होंने लिखी है। गोरंगो तुमी मोरे दया ना छाड़ियो गोरंगो तुमी मोरे दया ना छाड़ियो अपना करियो रंगा चरण राखियो अपना करियो रंगा चरण राखियो। कहते हैं हे गुरंग महाप्रभु, आप अपनी दया की दृष्टि हम भक्तों से कभी हम पर हमेशा हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहना, अपनी कृपा से हमको दूर मत करना और अपने ही रंग में रंग कर और आप हमें अपने चरणों में लगा ले। फिर कहते हैं एकुले ओ कुदे मोर दिलो तिलांजलि एकुले ओ कुले मोर दिलो तिलांजलि अपना करियो
राखा चरण राखे लो। ये कुल ये मेरी कुल देवी, वो मेरी कुल देवी, मोहे दिलो तिलांजलि, सबको तिलांजलि, सबको त्याग दिया है मैंने, बस आप मुझे अपने चरणों में रखो और मुझे अपने ही रंग में रख दो। इतना सुंदर वो गाते थे हमेशा। तो आज सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं हमारे मासा, हमारी मासी, उनके सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी, कि फिर एक बार कि भक्ति अपने अंदर जागृत करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए इस सत्संग को रखा, जिससे हम सब लोगों को इसमें सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। ये भगवान की कृपा है। बिनु विवेक सत्संग न होए, राम बिना एही सुलभ न सोई। बिनु विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो भगवान का सत्संग जो है, ये हमारे जो विवेक है, हमारी जो बुद्धिमता है, उसको बढ़ाती है, भगवान के प्रति प्रेम लगाती है। और बगैर राम की कृपा के ये सुलभ नहीं है, बगैर राम की कृपा के, भगवान कृष्ण और राम की कृपा के बगैर सुलभ नहीं है। हरे कृष्ण, आपके चरणों में वंदन है प्रभु जी। हमारे सुदीप प्रभु जी के पिताश्री हैं, वो उसी देश से हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और सारी लीलाएं करी हैं। तो हम सब लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, और आदर सत्कार करने का एक तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। सिर्फ बोलेंगे सब मिलके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका स्वागत। तो आप हिंदी समझ लेते हैं? थोड़ा थोड़ा। देखिए, हम इस बार नैमिषारण्य गए थे, हमारा भाग्य हरि की कृपा से, जहां पर कितने 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, और जहां सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की थी। श्रीमद् भागवतम जो है एक्चुअली दो जगह होती थी, एक तो परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, एक उधर सूत गोस्वामी जो है शौनक ऋषि, जो 88,000 ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब एक लीडर थे, जो भी प्रश्न पूछा था उनके थ्रू पूछा जाता था। तो वो जो कथा हो रही थी श्रीमद् भागवतम की, नैमिषारण्य में हो रही थी। तो हमको भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला वहाँ के दर्शन करने का, स्नान करने का, गोमती नदी में स्नान करने का। तो सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने सबसे पहला प्रश्न एक ही किया था कि इस संसार के अंदर हम ये जो प्राणी हैं, इनके उद्धार के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जिसके करने से सब जीवात्माएं जो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करके उनके धाम को चली जाए। पहला प्रश्न था, और सूत गोस्वामी जी ने उनका जवाब दिया था। ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कांटो के अंदर सेकेंड चैप्टर में है शायद, हाँ सेकेंड चैप्टर में। तो सूत गोस्वामी जी ने जवाब दिया था
सैवे पुंसा परो धर्म यथो भक्तिरदोक्षजे एहतुकी परिहणता एहतुकी प्रतिहता ये यात्मा सुप्रसिद्धति।